तो भैया फिर से बन रहा है ब्रेकफास्ट, और शायद आपको रामायण की पीछे से आवाज़ आ रही हो। टीवी पर मम्मी पापा इस वक्त देख रहे हैं, तो वही पीनट बटर और पनीर और अपनी ब्रेड। इजी लाइफ, टेस्टी लाइफ, हेल्दी लाइफ। मैं काफ़ी देर से कमेंट्स चेक कर रहा हूँ, लोग इस चीज़ की टेंशन में हैं कि जो दुनिया की रेस है, कोई म्यूज़िक प्रोड्यूसर या कोई आर्टिस्ट कितना आगे चला गया, कोई कितना पीछे चला गया, उस रेस के अंदर अपने आप को मत गिनिए। ये एक आर्ट फॉर्म है, इसे इन्जॉय कीजिए। अगर आप फर्स्ट आने चाहते हैं तो एटलीस्ट कुछ नया ट्राई करना है, तो उसमें हमेशा फर्स्ट रहें। फॉर एग्जाम्पल, डबस्टेप इंडिया में नहीं था, आई ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम, और आपने देखा भी है 6-7 साल पहले, आजकल सब कर रहे हैं, उस वक्त आई वॉज द फर्स्ट। उस वजह से जूम टीवी, जूम चैनल जो है हम देखते हैं, देन वूट ऐप हो गई वायाकॉम के, और कितने सारे मुझे प्रोजेक्ट आए। स्प्राइट की एड आती थी, एक स्प्राइट घटक, वो एक आवाज़ होती थी, वो मेरी होती थी, तो वो सारी चीज़ें उस टाइम। देन आई वॉज द फर्स्ट इन इंडिया जिसने ऑनलाइन पूरा म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स या और ट्यूटोरियल्स डाले हिंदी के अंदर। तो फर्स्ट उस हिसाब से अगर आप पहले रहेंगे तो आपको डेफिनेटली एक एज होगा ज़िंदगी में। चाहे आप वो डबस्टेप वाली चीज़ कीजिए, उससे मुझे जो उस वक्त काफ़ी प्रोजेक्ट आए वो, क्योंकि आई वॉज द फर्स्ट, या आज आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले दृष्टिकोण प्रोडक्शंस चैनल पे जुड़े हुए थे, 1,40,000 के अप्रॉक्सीमेटली वहाँ सब्सक्राइबर्स हैं, और पिछले साल जब 21 दिन का लॉकडाउन हुआ तब मैंने इस चैनल पे पहली वीडियो डालनी स्टार्ट की, तो यहाँ से फिर आज अब तक 63,000 सब्सक्राइबर्स हो गए तकरीबन एक साल में, धीरे 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 बिना कोई एडवर्ड के, जितने भी लोग अपने आप जुड़ते गए, सीखते गए। तो इस चीज़ में अगर आप फर्स्ट रहेंगे तो डेफिनेटली ऑलवेज ट्राई टू बी फर्स्ट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। पर जो आम जिंदगी की ये भेड़ चाल है, इसमें कि मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊँ, वो कुछ नहीं है, क्योंकि आप 10वीं क्लास में फर्स्ट आ गए, सेकेंड आ गए, आपसे पहले 100 तरह के बच्चे हर साल फर्स्ट आ रहे हैं, आपने कुछ नया नहीं किया, तो उस तरह की रेस में फर्स्ट आने का कोई वो नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है। सो रिलैक्स कीजिए, कुछ नया ट्राई करना हो उसमें हमेशा फर्स्ट आने की कोशिश कीजिए। इट विल डेफिनेटली गिव यू एन एज। 10 years, 10,000 thoughts, yeah. ध्यान नाल इंस्टॉल करी स्पॉटिफाई, कहते सामने ना अजय मुंडा हाई फाई, मेरे 1,000 views ते मुंडे करन गल्ला, जिन्हें लोकां दे मिलियंस ते कमेंट्स ना आए, क्योंकि फेक व्यूज फेक न्यूज फेक तू भी फेक ग्लूज फेक कमेंट। बेंगलोर तो 3 रुपए दा सब्सक्राइबर, पूछ किसे होर तो जिन्ना से खेलियो। ये है मेरा वायरलेस चार्जर, तो करते हैं इस पे चार्ज। तो लो भैया, सेशन हो गया कंप्लीट, और आओ चलते हैं निर्देशक राव के पास। तो लो भैया, हम पहुंच गए अपने वीडियो ऑफिस निर्देशक राव के पास। पूरा ऑफिस आप देख सकते हैं दृष्टिकोण प्रोडक्शंस चैनल के ऊपर, काफी वीडियोस हैं जिसके अंदर आप पूरा ऑफिस देख सकते हैं, जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी म्यूजिक प्रोडक्शन का पूरा कोर्स किया, राइट। और निर्देशक राव यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो निर्देशक राव का अपना यूट्यूब चैनल भी आ जाएगा, उसके ऊपर भी पूरे का पूरा काफी कुछ इन्फॉर्मेशन है, वीडियो रिगार्डिंग है, और ऑफिस की भी काफी सारी चीजें हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। अगर आप निर्देशक राव की यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, और अगर आप वहाँ दूर तक देखें तो वे वही एरिया है जहाँ पर हमने नॉलेज गाना शूट किया था। माय स्टूडेंट्स नीड नो कॉलेज, उनको देता मैं जिंदगी की नॉलेज, जो भी था वो गाना यहीं पर वो शूट हुआ था, काफ़ी पीछे जाकर। तो ये हम आ गए हैं नीचे, और ये दरवाज़ा देखो, यहाँ पर ऐसे हम टी टी करते हैं तो खुल जाता है, पर ये वैसे ही खुला पड़ा है। ये सारी अपनी ग्रीन स्क्रीन है जहाँ पर शूट वगैरह चलता है, और ये आपने बाकी सब तो देख ही रखा है, और ये देखिए इतनी बड़ी लाइट, क्या बात है। और यहाँ पर अरे निर्देशक राव गायब हैं, कहाँ गए निर्देशक राव? वाह, है नहीं, चकलो सामान, ये कैमरा कुमरा उठा लेते हैं, और वो रहे निर्देशक साहब आ गए हैं तो हमें कैमरा उठाने का मौका नहीं मिला। हमें लगा फैम हो नहीं, हम तो कैमरा शैमरा सामान उठाने लगे थे। तो भैया करते हैं कुछ काम शाम की बातें, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है जी। ये देखिए निर्देशक राव, अगर आप YouTube पे चेक करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपको चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। और ये किस तरह से अपने ट्यूटोरियल और बाकी सब जो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप देखेंगे, H4N Pro, आ जाओ फोकस हो जाओ भाई, हैंडी रिकॉर्डर, ये तकरीबन 15-16 हज़ार का है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ऑन फील्ड रिकॉर्डिंग वगैरह, ये देखिए इसके अंदर XLR
कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि इनबिल्ट ऑडियो इंटरफेस भी है इसके अंदर। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लाइन इनपुट है और जाने क्या क्या, प्ले पॉज सब कुछ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहीं पर ट्यूटोरियल जो है वो इसी के इनबिल्ट माइक से रिकॉर्ड होता है। इस छोटी सी चीज़ को हम डेड कैट या ऐसे कुछ बोलते हैं। और ये देखिए भाई साहब 360 कैमरा, यहाँ पर इतना कुछ सामान देखने को पड़ा है, वैसे ही मन करता है उठा के कुछ जेब में डाल लो। थोड़ी बहुत गेम भी टेस्ट करनी ज़रूरी है। गरीब लोग कीबोर्ड से, अमीर लोग वायरलेस जॉयस्टिक से। किसी ने खींची थी लकीर, आज लड़ रहे दोनों, शहरों को भी बांट देंगे कब यू डोंट नो। लड़ते रहना कुछ न कहना, बसें जलाई किसी मंत्री ने नाम तेरा, कानों में गंदगी फूकने वाला तेरी लेरा। कितने बच्चे हैं पढ़ाए 10 साल में, टोपी तिलक पगड़ी वाले सब है मेरे पास में। तो भैया खबर तो ऐसी है कि लॉकडाउन लग जाएगा 15 दिन का। अब मालूम नहीं पॉसिबल है नहीं है, पक्की खबर नहीं आई। तो फिलहाल जल्दी से भागते हैं घर, सड़कें भी काफी सुनसान लग रही है, तो शायद दुनिया भी जल्दी से भाग रही है। चार पैसे आए, बाल कटवा के आया हूँ मुसलमान से, माने ली है सब्जी एक सिख किसान से, एलपीजी सिलेंडर देने आया था ईसाई, और गैस चूल्हा लिया था हिंदू की दुकान से। मैंने यूट्यूब पे अभी कमेंट्स देखे थे काफी, तो काफी आप में से लोग एबल्टन के लेक्चर्स की डिमांड कर रहे थे। तो आप लोगों को मालूम है कि मेरे पास एबल्टन 9 है, उसके बाद मैंने अपग्रेड नहीं किया था क्योंकि मेरे पास FL स्टूडियो है, देन आई परचेज स्टूडियो 1 राइट नाउ। तो काफ़ी सारे डॉज खरीदने का मतलब टेक्निकली कोई सेंस नहीं बनती है अपग्रेड स्पेशली। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इफ़ यू रियली नीड एबल्टन के लेक्चर्स भी, क्योंकि मुझे भी एबल्टन को हाथ लगाए काफ़ी वक्त हो गया, क्योंकि पहले मेरा मेन डॉ ज़रूर था, बट फिर फॉर द सेक ऑफ लर्निंग और फॉर द सेक ऑफ आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि मैं एबल्टन के जब भी लेक्चर्स डालता था उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पांस नहीं आता था। जैसे आप लास्ट भी एबल्टन का जो मैंने कल लेक्चर डाला है परसों, कल परसों जब भी, तो आप देखेंगे उसके भी उसके ऊपर भी उतना रिस्पांस नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग FL स्टूडियो ज़्यादा मांगते थे तो मैं FL स्टूडियो के ही लेक्चर्स पे ज़्यादा फोकस करता था, पर इफ़ यू रियली वॉन्ट इट प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। फिर ठीक है, थोड़े पैसे खर्च लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली मुझे याद नहीं है कितना, बट तकरीबन 300 AUD 18-20 हज़ार के अराउंड मुझे और खर्चना पड़ेगा आई थिंक फॉर अपग्रेड। तो एग्जैक्ट नहीं पता, वो देखना पड़ेगा कितना है, पर चलिए अगर आपको नीड है तो डेफिनेटली मैं परचेज कर लूँगा अपडेट उसका, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। तो लो भैया, आज मेरे मम्मी बना रहे हैं टिक्की, तो आज डिनर की जगह यही होगा टिक्की शिक्की एकदम ज़बरदस्त। और आपको मालूम है आप लोग मुझे डाइट पूछते हो हमेशा, तो आप देख ही रहे हो कि इस तेल के अंदर टिक्की, तो बाइसेप बने ना बने दोस्तों, लेकिन पेट ज़रूर बन जाएगा, चलो कुछ तो बन ही रहा है। तो स्वादिष्ट टिक्की माँ के हाथों की। तो ठीक है, मैं करता हूँ टिक्की एंजॉय, मिलते हैं किसी और वीडियो, किसी और ब्लॉग, किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट। नमस्ते। एक काम करो, इंस्टाग्राम पे जितने भी पॉलिटिकल पेज हैं, वो पार्टीज जो तुम्हें पसंद है और वो पार्टी जो ना पसंद है, हर एक पॉलिटिकल पोस्ट करने वाले पेज को ब्लॉक। यकीन मानो, सिर्फ 5 दिन में हर इंसान अच्छा लगने लगेगा, सब अपने लगने लगेंगे, हर बंदा अपना भाई लगेगा।